আরেকটি বিশেষ সূচনা মুরগা প্রেমীদের জন্য। একটি দুর্ঘটনা দেখতে দেখতে জালে ভরে দিলেন আমাদের জিআর স্পোর্টিং খেলোয়াড়। আপনাদের যত জাদু কৌশল কলা যা রয়েছে এই মাঠের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করুন। অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেক টাকা পয়সা খরচা করে আপনাদের খেলের প্রতিভা দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন প্রিয় দর্শকবৃন্দ। আশা করব আপনারা গোলের মাধ্যমে দর্শকবৃন্দদের মনকে জয় করার চেষ্টা করুন। খুবই সুন্দর শট একটা নিয়েছিলেন কিন্তু শটে জোর নেই, তাই the teams ZR Sporting versus DT Ranchi. These are the two teams are playing the second quarter final. আক্রমণের চেষ্টা ডিটি রাঁচি কিন্তু না, এখনো খুবই সুন্দর শট ছিল কিন্তু বালের উপর দিয়ে সীমারেখার বাইরে। জিআর স্পোর্টিং এর গোলকিপার গোল কি করছেন খুবই সুন্দর লম্বা কি, সাথী খেলোয়াড় না থাকাই সোজা বল ডিটি রাঁচি দায়িত্বে চলে গেছে। তিন নম্বর দেখে নিচ্ছেন কাকে দেওয়া যায়। খুবই সুন্দর লম্বা পাস তার সাথী খেলোয়াড়কে দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু মিস পাস। ডিটি রাঁচি চেপে রেখেছে আমাদের জিআর স্পোর্টিং কে। সম্ভবত দুই দলই আক্রমণের পর আক্রমণ করে যাচ্ছে, চেষ্টার পর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই খেলা তো আহমদ আলী কাকার পক্ষ থেকে যিনি প্রথম গোল করবেন ব্যক্তিগত 300 টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এবং যে বরাবরই গোল করবেন তাকে 500 টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে আহমদ আলী কাকার পক্ষ থেকে। প্রিয় খেলোয়াড় সমস্ত দর্শকবৃন্দ চাই গোল, তাই আপনারা চেষ্টা করবেন। নাম্বার 7 আক্রমণের চেষ্টা কিন্তু বিপদ মুক্ত করে দিয়েছেন জিআর স্পোর্টিং। আমার সাথে রয়েছেন রাজ ভাই। আশা করব আপনিও দর্শকবৃন্দদের আপনার সুরের সাথে সাথে আমার সাথে সাথে আপনি রুবারু করাবেন। রাজ ভাই আপনাকে মাইক্রোফোনে স্বাগত। সবসে পেলে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেনা চাহুঙ্গা দর্শনবীর জি, और कहीं ना कहीं इस दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन यानी कि फाइनल डे है। और इस फाइनल डे में दूर दराज से आए हुए तमाम दर्शक साथियों को पुनः एक बार हमारी कमेटी परिवार यानी कि जन सेवा ही लक्ष की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिलहाल मैदान के वेशों विज देख सकते हैं दो बेहतरीन टीम
एक आपसी ग्रंथ में है, इसे भी एक मूवमेंट बनाने की कोशिश करते हुए वहां कहीं ना कहीं बेहतरीन क्रोस आई थी, हालांकि आपने टीम के खिलाड़ी को ढूंढ नहीं पाए वहां पे। हालांकि इस जी आर स्पॉटिंग कुछ कलाकारी दिखाने के बाद आगे ले जाने की कोशिश भी जरूर, हालांकि वहां पर जर्सी नंबर 4 का बहुत अच्छा डिफेंडिंग देखने को मिली। कहीं कहीं तो उन्होंने टीम से फिर से एक बार परिचय करवा दो। हमारे मंच के दाएं हैं सोर पे कहीं ना कहीं ब्लैक से पूरी तरह से व्हाइट अप को नजर आ रही है टीम है जीआर स्पॉटिंग, और इनके सामने यानी कि इनके जो विपरीत दल है ये है डीटी रांची। आज दोनों ही टीम ने प्रथम राउंड में कमाल का मैच खेला था और जिसके बल बूते फिलहाल आप सेकेंड राउंड में आप इन दोनों टीम को देख पा रहे हैं। हालांकि यहां से दोनों ही टीम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने चाहेगी, क्योंकि ये मैच अगर जीतते हैं तो एक प्राइज के हकदार बन जाएंगे। जी बिल्कुल राज भाई, अभी यदि ये माठे खेला देखाते पारलाम ना तो अभी ये क्षेत्र को नहीं माठे खेला देखाते पारबो ना, संभवत এই এলাকার আমাদের যদি বলতে পারেন নাম্বার ওয়ান ফিল্ডে এই ধাতকিটির ময়দান, ময়দানের চারিপাশে অনেক দূর দূরান্ত থেকে আগত দর্শকবৃন্দদের ভিড়, আজকে দ্বিতীয় দিনে और जिस तरह से आज सभी मैचों में प्रथम गोल दागने वाले प्लेयर को मोहम्मद अली चाचा की ओर से इनाम राशि दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों को भी ये हज जेहन में रखना होगा कि आज अगर अपनी टीम को गोल दिलाने में सक्षम रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी ही राशि सही लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपको मिलने वाली। फिलहाल जीआर स्पॉटिंग बहुत बढ़िया बंटवारा, खिलाड़ी रोकने में सफल भी हुए, हालांकि जर्सी नंबर 5 इस बार कहीं ना कहीं समानांतर बंटवारा करने की कोशिश किए थे। फिलहाल जर्सी नंबर 9 लुकिंग बॉल कहीं ना कहीं राइट फॉरवर्ड जर्सी नंबर 7 को ढूंढने के प्रयास किए थे, वहां पर सफल भी हुए हैं। अभी भी बॉल पोजीशन जीआर स्पॉटिंग पास ही है, और कहीं ना कहीं जीआर स्पॉटिंग आप थोड़े से खेल में अपने लय को दिखाने की प्रयास करते हुए यहां पर अलग इस वेज बॉल पोजीशन डीटी रांची की ओर छूट को मातो, हालांकि ये देवेन से मुका से गेंद चिटकी, और कहीं ना कहीं देवेन की अगर बात करूं बहुत ही युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है जर्सी नंबर 17 पे, बहुत ही अच्छा खेल को खेलते हैं, चमक जी 11 पे हैं और पिछले चक्र में इनके नाम एक स्कोर भी रही है। हालांकि फिर से एक बार देवेन के पास ही बॉल, देवेन ने ये खिलाड़ी को कट कर आगे जरूर जा रहे हैं, तो सब ऑफसेन तरस रहे हैं और ऑफसेन के रूप में कहीं ना कहीं छुटको मात को ढूंढ ही लिए थे, लेकिन गोलकीपर इस बार बहुत बेहतरीन ढंग से आगे आकर कहीं ना कहीं खींच किया गेंद को। बेहतरीन मैच चलता हुई ये आज का द्वितीय राउंड का द्वितीय मैच कहूं या फिर कहूं सेकंड क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं। लाल जीआर स्पॉटिंग আরেকটি বিশেষ সূচনা মুরগা প্রেমীদের জন্য, একটি দুর্ঘটনা দেখতে দেখতে জালে ভরে দিলেন আমাদের জিআর স্পোর্টিং, হাত তুলবেন দাদা নাম্বার 4 জার্সি নাম্বার 4। বিশ্বজিৎ সুরিন একটি গোল করেছেন, হ্যাঁ
चलो प्रिय खिलवाड़ मोहम्मद अली काकर पक्ष देखे जे बराबर गोल करबे ताके 500 टाका पुरस्कृत करा होगा। डीटी रांची 1-0 गोले पिछिए देखी समय बोले देवे तारा क्षमता फिरे आसते पारबेन किना। लेफारी हुइसेल बाजिए प्रथम अर्धेर खेला।